दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को टक्कर देने के लिए तैयार है। जी हां दोस्तों, पूरा मामला क्या है आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा अपील है कि अगर आप खेसारी लाल और सलमान खान के फैन है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। दोस्तों पूरा मामला ये है कि कल सलमान खान का टाइगर 3 का टीजर रिलीज किया गया, जो कि एक दिन में 95 लाख व्यू गया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं एक दिन में, यानी कि 24 घंटा में 95 लाख व्यू गया है। और आज सुबह सुबह खेसारी लाल जी का एक गाना आया है खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से, जिस गाना का टाइटल है बिहार में हुई। वह गाना मात्र 7 घंटा में ही करीब 1 मिलियन से ज़्यादा व्यू चला गया है। लेकिन देखिए क्या खेसारी लाल यादव सलमान खान को टक्कर दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं, 24 घंटा में खेसारी लाल यादव सलमान खान का रिकॉर्ड तोड़ पाते हैं कि नहीं तोड़ पाते हैं, आने वाला समय में ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से खेसारी लाल के गाने पर व्यू जा रहे हैं, उसे देख करते यही लगता है कि खेसारी लाल यादव सलमान खान को टक्कर दे देंगे। लेकिन देखिए आने वाला समय में ही सब कुछ पता चलेगा। लेकिन फिलहाल दोनों, एक सलमान खान का जो टाइगर 3 आया है वो भी ज़बरदस्त फिल्म का टीजर है, और जो गाना आया है खेसारी लाल का वो भी गाना बहुत ज़बरदस्त है, और दोनों पर काफ़ी ज़्यादा व्यू मिला है। फिलहाल देखिए आने वाले समय में क्या क्या होता है। फिलहाल एक अपडेट था, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।